God and God do not keep the volume high. Do not bang the computer. Hello? क्या बता रहे हैं हमके फोन में बता पापा को बैंग मतलब क्या होता है डू नॉट बैंग द फिस क्या 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 होता है मतलब बैंग मतलब ठोकना बीटना मतलब कंप्यूटर को नहीं मारना होता है हाँ बैंग मतलब जैसे मान लो हम लोग बैग को मार रहे हैं तो होता है ना तो ऐसे बोला जाता है इंग्लिश में आई बैंग द बैग और यदि हम दीवार को मार रहे तो इंग्लिश में उसका क्या होता है आई आई बैंग द वॉल और अगर हम दरवाजे को मार रहे हैं तो उसका इंग्लिश में होगा आई बैंग द डोर समझी उसका मतलब होता है बैंग मतलब ठोकना फिर अरे देता पड़ रहा हूँ Fill in the blank. Will using a computer maintain the correct posture? The computer should be kept neat and clean. The computer should be used gently. You should take turn while sharing the computer. Yeah? वो तो कभी मतलब बता दो पापा को पता है ना क्या बताओ आपको नहीं पता क्या करना चाहिए कंप्यूटर के साथ देखो इसको मतलब हुआ हम लोगों को कौन सा पोस्चर लेना चाहिए तो हम लोगों को सही पोस्चर लेना चाहिए इसका मतलब ये होता है हाँ फिर नेक्स्ट में हमें कंप्यूटर को क्या रखना चाहिए गंदा या साफ रखना चाहिए तो हम लोगों को कंप्यूटर को साफ सुथरा रखना चाहिए और यदि हम लोग कंप्यूटर को अच्छे तो इंग्लिश में पहले पढ़ो उसके बाद हिंदी में समझाना ऐसे अरे मम्मी मैंने इंग्लिश पे तो पढ़ा और यदि हम लोग कंप्यूटर को ठीक से जेंटली मतलब आई यूज द कंप्यूटर जेंटली मतलब हम लोगों को कंप्यूटर को ध्यान से यूज करना चाहिए ध्यान से फिर नेक्स्ट है अगर हम लोगों को कौन सा टर्न लेना चाहिए हम लोगों को सही टर्न लेना चाहिए और कंप्यूटर को शेयर भी करना चाहिए शेयर मतलब कंप्यूटर को बांटना भी चाहिए हाँ यदि किसी के पास कंप्यूटर नहीं है तो उसके साथ बांटो ये नहीं कि नहीं मेरा है तुम तोड़ दोगे खुद ही तो करते हो कहाँ करता है ना ये अच्छा अब नहीं करेगा अब तो छोटा था ना है ना पार्थ हाँ छोटा मैं तो हर कोई करता है हाँ वही तो पढ़ो ये तो पूरा पढ़ा नहीं आपने पूरा पढ़ो ये तो पढ़ लिया अरेंज द बेटर्स टू फ्रॉम करेक्ट वर्ड यहाँ पर लिखना लिखा है लिखना तो क्या होगा क्लीन होगा यहाँ पर स्पोर्टर लिखा है तो पोस्टर होगा यहाँ पर रिवाइज लिखा है तो वायर्स होगा यहाँ पर वॉल्यूम है यहाँ पर वुल है तो वॉल्यूम होगा यहाँ पर जम्बल्ड वर्ड मतलब हम लोगों को सही वर्ड को उल्टा पुल्टा कर दिया जाता है जैसे मान लो यहाँ पर मैंने क्लीन लिखा है हाँ और क्लीन को उल्टा कर दिया मैंने उल्टा पुल्टा शब्द कर दिया तो हम लोगों को उसको ठीक करना है ऐसे ही होता है देखो मैंने एक कंप्यूटर ड्रॉ किया है ऐसे मॉनिटर ड्रॉ किया
बहुत अच्छा बना। एबीसीडी ट्रू एंड फॉल्स। यू शुड बैंक द कंप्यूटर एंड इट्स पार्ट्स। फॉल्स नहीं, द कंप्यूटर शुड बी